27 सितंबर जो भारत बंद सदे के उ अज पूरा भारत मुकम्मल तौर पर बंद रहा है, जिस दे विच अज पिंड आरफका जिला फिरोजपुर के मेन रोड जो अमृतसर फिरोजपुर मिलता है ये भी अज मुकम्मल तौर पर बंद रहा है। सारे जथेबंदियों का इलाका निवासियों का मजदूर का किसान का सारे वर्ग ने दुकानदार ने सारे वर्ग ने साथ दिता है। ये बहुत ही शांतपूर्वक तरीके सवेरे 6 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। अज हालात यह ने कि हरेक बंदा जो कोई कपड़ा लैन बाजार के ना जाए तो 7-8 साल मेरे ख्याल का घरों सरदा कोई लोड़ नहीं गई, हरेक ने कोई इन्ने कपड़े ने सानू तो लोड़ पैनी वह तो चप्पल चुपा नहीं वो ले लिया करा। जे कहते ने भी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली के बिल लागू हो जाएंगे, इन्होंने चीजों का फर्क करना सानू थोड़ा पैना। बिजली के बिल महंगे हो गए, वो बिल ना करे तो मीटर लग गए, खुदा ना खास्ता मान लो भी लग ही गए। उस तो बाद कस्बा विखे मल्लाला फिरोजपुर रोड जाम करके भारत बंद हमैल से पूरा मुकम्मल तौर पर चक्के जाम किए गए जी। दुकाना वाले ने भी प्रसार दिता जिसे कुल बाजार बंद है, कोई दुकान खुली। इस धरने भी बीबिया बच्चे साडे बजुर्ग नौजवान वीर वड्डी गिणती दस देना चाहते हैं भी मोदी साहब सोचता सी भी ये अंदोलन 6 महीने चल के या साल चल के ठंडा पै जूगा, ये कभी भी ठंडा पैण वाला अंदोलन नहीं गा, ये लगातार चलूगा जिन्ना चिर खेती काली खून ते बिजली सोध बिल 220 रद्द नहीं होंगे। चाहे सानू 2024 तक ये लड़ाई लड़नी पवे, चाहे किन्निया भी कुर्बानियां देनिया पैण पर असि इस तो पिछे नहीं हटांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। साडे लोक चैनल ते तुहाडा बहुत इस तरह चढ़दी कला और आप इस तरह जरा समर्थन दिता वर्ग व्यापारी वर्ग कोई दुकानदार है और ट्रांसपोर्ट समुचे जो है भावे कोई सरकारी इदारे भावे कोई स्कूल सारे ने भारत बंद करके अब मोदी सरकार ने संदेश दे दिता भी असं किसानों के नाल हाँ और मोदी सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि एक काले कानून जो खेती काले कानून है और बिजली के सूद भी है वापस लेने चाहिए और इस तरह ये किसान भी मोर्चे लगते रहेंगे और अगे जो मोर्चे छुपे रहेंगे जिहड़ा भारत बंद की कॉल इस तों अगे जो अपना दिल्ली के धरने चल रहे इस तरह लगातार चलते रहेंगे। तुम देख सकते हो बहुत इकट्ठ कस्बा हरखे के मेन रोड पे आज क्या सानू सारिया दुकानों वाले ने सपोर्ट की।